सरकार स्वच्छता के लिए नए नए प्रयोग तो कर रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर फेल होती दिख रही है। गरियाबंद में 303 पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा ढोने के लिए ट्राई साइकिल खरीदी गई। इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन संचालन कैसे होना है, किससे कराया जाना है, ये आज भी पंचायत के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। 7 महीने बीत जाने के बाद भी कचरा रिक्शा गोदाम में बंद पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे केंद्रीय योजना की राशि का दुरुपयोग होता है। कहीं कचरे के ढेर में, कहीं वीरान मैदान में, तो कहीं पंचायतों के गोदाम के बंद कमरे में पड़े ये ट्राई साइकिल बता रहे हैं कि गरियाबंद में जिला प्रशासन स्वच्छ भारत मिशन को कितनी संजीदगी से ले रहा है। पंचायत में एसपी साइकिल इंडस्ट्रीज के द्वारा 2 साइकिल का सप्लाई किया गया है और 1 साइकिल की कीमत 54,000 से ज्यादा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी बताते हैं कि यहाँ बिना उपयोग के साइकिल के पुर्जे निकलने शुरू हो गए हैं, उपयोग हुआ नहीं है, चैन निकल गए हैं, हैंडल यहाँ पे चैन भी गायब हुए हैं, ब्रेक फेल हो चुके हैं, पड़े पड़े जंग खा रहे हैं। बताने का उद्देश्य ये है कि जब इस योजना का क्रियान्वयन किया गया, जब इस योजना को गरियाबंद में लागू किया गया जिसके पीछे 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया, क्या वो काम में अब क्यों नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। गीले और सूखे कचरे का सही प्रबंधन करने के लिए इन ट्राई साइकिल की खरीदी की गई। प्रति साइकिल 54,000 के दर पर चेक जारी कर भुगतान भी करवा दिए गए, लेकिन सप्लाई के 8 महीने बाद भी इनका उपयोग नहीं किया गया। ये साइकिल आया है वही अक्टूबर नवंबर में आया है। कितने साइकिल? 2 साइकिल है और 2 साइकिल का यूज अभी तक के नहीं किए हैं, घर में रखे। क्यों नहीं किए भाई? कोई लेने वाला तैयार नहीं है, कचरा फेंकने वाला कोई तैयार होगा तभी तो। SBM वाले भेजे हैं वहाँ से, गरियाबंद से ही आया है और ये हमको वहाँ से आया, मैंने ट्रक में लोड होके आया, यहाँ उतारने के लिए बोले, उतार दिया। पड़ताल करने के लिए हम पंचायतों में पहुंचे, इस योजना और सड़ रही ट्राई साइकिल को लेकर जानकारी ली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ज्यादातर सरपंचों ने बताया कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है, अब तक अफसरों ने उन्हें बताया ही नहीं है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस तरल पदार्थ हेतु मतलब कचरा एकत्रित कर फेंकने हेतु ई रिक्शा प्रत्येक पंचायत में 2-2 तो उपलब्ध कराया गया है क्रय करने के लिए, जिसमें हमारे द्वारा क्रय किया गया है ई रिक्शा, अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। 5 साल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सरकार केंद्रीय सरकार से आने वाली राशि के अभाव की दुहाई देती रही, पर जिस योजना में पैसे मिले हैं उसका सदुपयोग कराने में भी नाकाम होती दिखाई दी है। जिला से इसका टेंडर हुआ नहीं, शासन स्तर पे ही हुआ है, CSIDC के ऑफिस में, तो वहाँ से टेंडर हुआ, वहाँ से निर्धारित हुआ, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं हूँ। गरियाबंद में केंद्रीय मद में हुए इस खरीदी की जांच हुई तो आज उस वक्त सत्ता में बैठे लोग और उनके इशारे पर खेला करने वाले अफसरों पर आएगी। पुरानी सरकार में हुए करप्शन के किले को ढहाने अब की सरकार को एक ईमानदार प्रयास करने की जरूरत। गरियाबंद से विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट।